हेलो गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आज की न्यू गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं, और जैसे कि बड़े दिन के बाद माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, और तो हमने बड़े टाइम पहले से माइनक्राफ्ट खेलना शुरू कर रखा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं भाई, अभी तक इस बंदे को देखो भाई, अभी तक आयरन के आर्मर में ये लदा हुआ, मतलब अभी तक हमारे पास एक डायमंड का आर्मर नहीं है, डायमंड की सोर्ड नहीं है, डायमंड की पिकेक्स नहीं है, डायमंड ही नहीं है। क्या बताऊं, तो तुम समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम भाई डायमंड ढूंढने वाले हैं, और डायमंड से बनाने वाले हैं अपना एक मस्सा आर्मर और सोर्ड। ठीक है, पिकेक्स वगैरह वो चीज़ें हम बाद में बनाएंगे, अभी तो हम फिलहाल एक सोर्ड बनाने वाले हैं और एक आर्मर बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डायमंड है नहीं। और जब हम लास्ट टाइम डायमंड ढूंढने गए थे, तुम्हें पता ही है हमारे सारे डायमंड लावा में गिर गए थे। अभी तुम ये देखो, मेरा चेस्ट अरेंजमेंट देखो, इसमें मैंने एक डायमंड है मेरे पास, जो भी मैंने ये शो पीस में लगा रखा है, इसको हम उठा लेते ताकि हमें ये मोटिवेट करता रहे कि हमें ये ढूंढना है भाई, ये ढूंढना है हमें। अबे ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है, और उसके लिए मुझे जो जो सामान चाहिए मैं फटाफट से उठा लेता हूँ। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, ओके मेरे को सोर्ड चाहिए लड़ने के लिए, है ना। और क्या चाहिए, सोर्ड भाई 3-4 उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत देर तक माइन करने वाला हूँ और बहुत सारे ज़ोंबीज को भी मारने वाला हूँ साथ के साथ। और मेरे को पिकेक्स चाहिए यार, पिकेक्स। अबे ये वाली नहीं उठानी मेरे को, सारे शॉप इसकी बिगाड़ रहा हूँ, ख़राब कर रहा हूँ। अबे मेरे पास आयरन की पिकेक्स नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो। मेरे पास आयरन तो होगा, अब आयरन तो बहुत होगा मेरे पास। मेरे को भाई क्या कंट्रोल्स की आदत पड़ गया, बड़े दिन के बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ ना, मेरे से खेल ही नहीं जा रहे। अबे मेरे पास आर्मर है तो अच्छा, मैंने अभी तक पूरा नहीं लगा रखा था। ओ भाई मैं सारे कंट्रोल्स भूल चुका हूँ भाई इस गेम के। ओके सब पहन लिया, बूट्स ये वाले पहन ले, और हेलमेट भी ये वाला पहन ले, और बाकी सब सेट है। बस मैं क्राफ्टिंग टेबल में फटाफट से आयरन की जो पिकेक्स बना ले, तो बहुत सारी मेरे पास शील्ड रहेगी क्या इसमें, होगी पक्का शील्ड। ओके मेरे पास शील्ड भी है, देखो मेरे को अब मेरे को सब पता है भाई, मेरा सामान पड़ा कहाँ है, ठीक है ना। और क्या चाहिए मुझे, टॉर्च भी चाहिए ना, टॉर्च का मैंने अलग से कॉलम नहीं बना रखा। अबे टॉर्च कहाँ है, अबे बोरा है। ओके यहाँ पे टॉर्च भी है हमारे पास, मैं उठा लेता हूँ बहुत सारी। शील्ड को तो मैं यहाँ रख लेता हूँ दूसरे हाथ में, वीट की मेरे को क्या ही जरूरत है, अगर मेरे पास ब्रेड पड़ा है, खाने का सामान पड़ा है, तो मैं वो भी उठा लेता हूँ और सब कुछ उठा के फिर ही चलूँगा। वैसे मैं इन वीट से ब्रेड बना लेता हूँ, मैं ये मीट वगैरह नहीं लेके जाऊँगा, ब्रेड से मस्त पेट भर जाता है। बाकी चलो बाकी का काम मेरा। अबे मेरे को लकड़ियाँ भी चाहिए, रुको भाई लकड़ियाँ वाला कहाँ है कॉलम भाई जरा। ठीक है देख रहे हो कितनी आसानी होती है। अबे स्टिक्स हैं तो मेरे पास, ठीक है स्टिक्स उठा लेता हूँ, लकड़ी क्या करूँगा उठा के। अब मैं ये ख़राब नहीं करूँगा, मेरे को मटन चाहिए, चलो रख ही लेता हूँ, क्या ही करूँगा मटन को रख के उसमें। ओके पहले मेरे को ब्रेड बनाना है, जिस कैसे बनता था ब्रेड मैं थोड़ा भूल चुका हूँ शायद ऐसे। ठीक है मेरे पास ब्रेड आ चुका है, और मेरे को क्या बनाना था शायद, हाँ मेरे को पिकेक्स बनानी है आयरन की, जिसके लिए मेरे को आयरन को ऐसे रखना है और स्टिक्स को रखना है ऐसे, जिससे मैं अभी इतनी सारी पिकेक्स बनानी है मेरे को। बस अभी मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ जाने के लिए माइन करने के लिए। वैसे रात हो रखी है, क्या मुझे रात से डरना, अबे रात नहीं हो रखी है, स्ट्रॉम बारिश वगैरह। ठीक है तो हम आज की शुरुआत सुबह सुबह से करते हैं। वैसे मैं कुछ खा लूँ, मेरे पास मेरे को भूख लगी हुई है ना। ठीक है मेरा बेड देखो इन गरीब विलेजर्स के पास ही लगा हुआ है, मतलब मैंने अभी तक अपना एक कमरा नहीं बनाया भाई, क्या कर रहा हूँ मैं भाई, ना कोई डायमंड का आर्मर बना रखा है ना कोई सही में भाई मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है इस गेम में। ठीक है तो वैसे तुम्हें मेरी फार्मिंग दिखाऊं, देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और वैसे मैं हर बार इसी माइन में जाता हूँ, और अभी भी इसी में ही जाऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर तक जाऊँगा, मतलब पहले जहाँ तक गया था मैं डायमंड ढूंढने, मेरे को मिले भी थे, लेकिन इस बार मैं थोड़ा दूर तक और दूर तक जाऊँगा। और ये तुम्हें तुमने देखी होगी मेरी ये माइन बहुत तगड़ी बन रखी है, बहुत नीचे तक है भाई ये, मतलब और अभी तक मुझे और अभी कोई नया अपडेट आया होगा मुझे नहीं पता भाई कहाँ पे डायमंड मिलते हैं, बस मैं सर ऐसे ढूंढूंगा फालतू। और देखो मैंने कितनी टॉर्च यहाँ पे वेस्ट कर रखी है भाई। ओके मैं यहाँ पे तो आ चुका हूँ, हम कहीं से भी खोदना शुरू कर देते हैं ना, ऐसा तो कुछ नहीं, हमें कहीं तो डायमंड मिलना शुरू हो ही जाएंगे, मतलब इधर जाके देख। अभी इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है,
देखो यहाँ पे मैंने बेड भी लगा रखा था, बहुत टाइम पहले आया था यहाँ से, मतलब यहाँ पे तो मैंने सब एक्सप्लोर कर रखा है, मैं वहाँ थोड़ा और आगे चलता हूँ जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर नहीं कर रखा। देखो जहाँ जहाँ इतनी सारी टॉर्चे लगे हुए, मुझे मैंने सब जगह चेक कर रखे हैं डायमंड्स, और यहाँ पे भाई मैं इनसे थोड़ा मेरी फटती है पता नहीं क्यों। ठीक है तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से सीधा डायरेक्शन में खोदना शुरू करते हैं, क्या पता हमें डायमंड मिल जाए। हाँ ऐसे बहुत ही कम चांस होंगे, लेकिन हाँ लेकिन कम ही चांस होते हैं भाई डायमंड मिलने के, तो कभी मिले ना मिले। ठीक है तो मैं तुम्हें मिलता हूँ थोड़ा डायमंड खोद के। ओके जब मुझे फर्स्ट डायमंड मिलेगा तो मैं तभी तुम्हें मिलूंगा। A few moments later. मुझे गोल्ड मिला, डायमंड चाहिए नोबड़ो। ओबे गोल्ड बहुत सारा गोल्ड मिला, कोई बात नहीं गोल्ड भी चाहिए हमें, गोल्ड भी दे दो भाई। वैसे गोल्ड का भी फार्म बन जाता है ना, लेकिन अभी तो हमें डायमंड चाहिए यार, गोल्ड नहीं चाहिए। ओके आ जाओ अगर है तो। गोल्ड क्यों मिल रहा है, डायमंड चाहिए भाई मुझे। कोई बात नहीं आज देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, मतलब गोल्ड और डायमंड कितना मिलता है। ठीक है तो यहाँ पे ये क्या छोटी सी केव आई है क्या? वैसे अगर मैं टॉर्च ना भी लगाऊं तो ऐसे खोदता रहूं कोई दिक्कत है नहीं, है ना, बिना टॉर्च लगाए खोदते रहो पागलों की तरह। लेकिन आगे से लावा आ गया तो वही आगे केव निकल गई भाई, खुल गई केव, आगे केव खुल चुकी। अबे यहाँ पे कितने सारे, अबे एक मिनट मैं टॉर्च लगा के दिखाता हूँ मैं कहाँ पहुँचा। अबे यो कहाँ पहुँचा भाई मैं, वो यहाँ पे माइन शाफ्ट है, यहाँ पे मिल सकता है मेरे को बहुत सारा सामान, या फिर मैं इस माइन शाफ्ट में आया हुआ हूँ पहले, क्योंकि वहाँ पे मेरे को रोशनी दिख रही है, और क्या मैं इनमें पहले आया हूँ या पहले से इनमें टॉर्च होती है के कहीं डायमंड है। प्लीज़ यार कोई डायमंड मिलो यार, तू आ जा तेरे को तो पीट दूंगा मैं, कहाँ लगाऊं टॉर्च। अबे इसकी आंखों में मत देखूंगा भाई मैं, इतना सारा सामान लेके आया हूँ कुट जाएगी मेरी, साला पीट देगा भाई मुझे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अबे तू भाई निकल ना यहाँ से, तुझे क्या दुश्मनी है मुझसे, निकल अपना काम कर भाई, जा वहाँ पे जा जहाँ से आया तू। एंडरमैन कहाँ से होता है वो, एंड वर्ल्ड होता है ना। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, पानी है। ए, क्या सोच ही मेरी, पानी हो रखे भाई। अबे क्रीपर्स भाई तुम चले जाओ, तुमसे मेरा कोई फट ना। अबे और ये फाइट होते हुए भाई मुझ गरीब की इनके साथ, अबे कितने आओगे भाई, किसी की गाजर लेके आए हो तुम, गाजर कहाँ ले रखी थी तुमने बे, कहाँ से निकली है ये गाजर। अबे कितने आओगे भाई, अबे फटा मुझे साउंड आया फटा, मैं मस्त टाइम पास ज़्यादा कर रहा हूँ, डायमंड नहीं ढूंढ रहा हूँ बोल, जब मैं एक बार आ चुका हूँ इधर तो बार बार क्यों आ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। क्या मुझे और डिग करना चाहिए और नीचे, या यहाँ पे मिलता ही नहीं है डायमंड, ये और नीचे मिलेगा क्या डायमंड भाई, मुझे कोई बताओ तो। हाँ बस ऐसे ही अंधाधुंध पागलों की तरह खोदते रहो, पता नहीं ज़िंदगी में कब डायमंड मिलेगा भाई, बहुत मुश्किल है यार डायमंड ढूंढना, ईजी नहीं है यार बिल्कुल भी। अबे अबे बे 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 बे, ये क्या है रे, प्लीज एक नहीं होना चाहिए ये, ओनली वन नहीं होना चाहिए, ठीक है एक मिला भाई। तुम देख रहे हो एक्यूरेसी, मतलब इतने सारे ब्लॉक्स, मतलब इतनी सारी जगह में से मैं इसी लाइन में घुसा, क्यों क्यों घुसा, मेरी किस्मत भाई कभी कभी अच्छी चल देती है, और मुझे लगता है मुझे ऐसे ही एक लाइन में खोदते रहना चाहिए और मुझे डायमंड मिल जाएंगे। तो ठीक है दो डायमंड मुझे हम मिल चुके हैं, और मुझे नहीं पता आज हम कितने डायमंड लेके जाएंगे यहाँ से, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज हम 20-30 डायमंड तो लेके जाएं भाई। अबे भाई एक और मिला, ला 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 ला, एक नहीं होना चाहिए बस, एक ही था यार। अबे भाई किस्मत चमक गई भाई मेरी भाई। A few moments later. मैं वैसे ही सोच रहा था कि डायमंड ढूंढना चलता है, लेकिन ये तो बहुत बोरिंग प्रोसेस है, और वीडियो भी तुम्हें भी बहुत, तुम बोर तो नहीं हो रहे।
ऑफ कोर्स भाई हो रहे होंगे, कौन ही ऐसे खुदाई देखना चाहेगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा फटाफट कर देता हूँ और कुछ कुछ पार्ट दिखाता हूँ तुम्हें। और मुझे बहुत ही गंदा साउंड आया, क्या तुमको आया? मुझे नहीं पता ये किस चीज का साउंड था भाई, मुझे डर लगने लगा है इन केव्स में आने से। वो आयरन क्यों मिल रहा है? गंदी चीजें नहीं चाहिए मुझे। अबे आयरन, अब वो भी ये आयरन, इसको मैं स्मेल्ट करूंगा पहले। अबे आयरन फार्म है मेरे पास, बना बनाया आयरन मिलता मुझे, तुम ये गंदी चीज दे रहे हो बे। छी बे, निकल 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 मेरी इन्वेंट्री से। अभी मुझे ये भी नहीं, एक सबसे बड़ी मिस्टेक भाई, अब मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाऊंगा वापस, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता अपने घर के, और जो कि मैंने नोट डाउन भी नहीं किया कहीं। अरे क्योंकि मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास जितने ब्लॉक है मैं उनको नीचे लगाता जाता हूँ और ऊपर खोदता जाता हूँ बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं कहीं बाहर निकल भी गया तो अपने घर कैसे जाऊंगा? मेरे को तो कोऑर्डिनेट ही याद नहीं है। अब मेरे को यही फॉलो करना पड़ेगा कि मैं आया कहाँ से था, और मैं ज़्यादा ऐसे अजीब नहीं खोदूंगा, अब मैं सीधी लाइन में खोदूंगा ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ बस यहीं से आया मैं भी। यार ये तो बहुत पंगा हो गया भाई, मेरे को घर कैसे, घर जाने में मुश्किल हो जाएगी। पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख के रखता हूँ कहीं पे, मेरा घर कहाँ है, नहीं तो भाई सारी मेहनत खराब हो जाएगी। जो इतनी इतनी बढ़िया महल, हाँ ऐसे मिल तो जाएगा ऐसे बहुत ढूंढने पे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है भाई अपना घर ढूंढना वापस से, क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। तो गाइस अभी डायमंड ढूंढते ढूंढते मेरे को बहुत टाइम हो चुका था, और मेरी हालत भाई अभी ख़राब हो चुकी है डायमंड ढूंढ के। मतलब मुझे मिल चुके हैं 18 डायमंड, और अभी तुम देखोगे मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मतलब घर बना के बैठा हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बी भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई, और रात हो रखी है जैसे मैं ऊपर आया। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ भाई, और घर कैसे ढूंढूँ मुझे नहीं पता भाई, मेरे को कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मेरे को, ठीक है। और ये मैंने अपने आप को ढक तो लिया, लेकिन पिकेक्स, अब इसको तोड़ू भाई, तोड़ने में साल लग जाएगा यार। अभी जो तरीका मुझे नज़र आ रहा है भाई, मतलब मुझे लग रहा है मुझे क्या करना चाहिए। देखो घर जाने के लिए मेरे जो बेड है उस पर रिस्पॉन्स सेट है, उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा और मेरे डायमंड जो हैं सभी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने डायमंड को यहाँ कहीं, या तो कोई विलेज मिल जाए मुझे जहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर मेरे को एक चेस्ट बनानी पड़ेगी जिससे मैं अपने डायमंड्स को यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स देख लेता हूँ क्या है, और यहाँ पे अपने डायमंड रख जाऊँगा। मर के वापस आना पड़ेगा मुझे यहाँ पे मेरे डायमंड्स को लेने, और ये भी मैंने ही कर रखा है भाई यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह, ठीक है। तो मुझे पहले एक चेस्ट बनानी पड़ेगी, चेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अबे यार मेरे को क्राफ्टिंग टेबल भी बनानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या भाई। बस भाई मैं इन डायमंड्स को खोना नहीं चाहता, तभी मैं वो घर बना के पूरी रात होने का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं मरना चाहता था भाई। इन डायमंड्स, ये बहुत प्रीशियस डायमंड्स हैं भाई, बहुत मुश्किल से मिले हैं भाई, पहले भी इतना है, पता नहीं कितने डायमंड मिले थे मुझे, जो कि मेरे भाई ख़त्म हो गए थे सभी। तो ये सारा सामान मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, सबसे पहले डायमंड और जो जो चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है भाई जो कि मेरे को लिखने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, और अभी मेरे को मरना है फटाफट से। अबे मेरा आर्मर तो रख लूँ यहाँ मैंने, है ना, उतारो नंगे हो जाओ फटाफट से भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा सामान रख दिया है, कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिया है, और अब जाके मरता हूँ भाई, मैं कहीं डूब के मर जाता हूँ। कहाँ के मर गया मैं? अबे कोई आओ ना, मारो मुझे, अबे मार, हाँ मार मार मुझे, मार ना, जल्दी मार, जल्दी मार यार, मार ना, मार भाई, मार भाई। कितने तीर लगाए, कितने तीर में मारे, इतने इतने तीर थोड़ी यूज करते हैं, रिस्पॉन हो जाओ भाई। आ गया मैं अपने घर पे वापस, और फटाफट से भाग रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए, मैं कुछ भी नहीं उठाऊंगा घर से, और घर के कोऑर्डिनेट सब लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो फाइनली मुझे मेरा सामान मिल गया भाई, मेरे डायमंड मिल गए भाई। भाई क्या मस्त तरीका था यहाँ पे आने का भाई, देखो गलती जो हुई
तो शुक्र है। और मैं भाई एक असेंशियल चीज, मैं अपना बेड भी नहीं लाया था साथ में, तुम समझ रहे हो। ओ भाई चल भाई पहन आर्मर फटाफट से और अब घर जाके बनाता हूँ मस्त सी चीज कोई। तुम क्या बोलते हो पहले मैं घर जाऊँ या यहीं पे क्राफ्टिंग टेबल पे अपना डायमंड का सामान बनाऊँ, बताओ तुम ही बताओ, क्योंकि तुम बता दो क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा भाई। तो बूट्स नहीं पहले बनाएंगे हम, चड्डी बना ले भाई। इतने डायमंड लगते हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 7 डायमंड तो गए, 11 रह जाएंगे। ठीक है चड्डी आ गई, ओके ये भी आ गई, 3 रह गए भाई मेरे पास। इसके लिए 5 चाहिए, बूट भी नहीं बन सकते अब तो मेरे भाई। ये पैन अच्छी वाली चीज है, पैन देख अब लग तो रहा है कि बंदे ने कुछ पैन रखा है भाई। और क्या बना सकता हूँ मैं, एक सोड नहीं बना सकता? ओके सोड मैं घर जाके बनानी पड़ेगी, जो कि जिसके लिए मेरे को स्टिक्स चाहिए है ना। ठीक है जिसके लिए मेरे को स्टिक्स चाहिए, तो भाई मेरा होलिया भाई मेरा होलिया आज। ओके तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको बढ़िया लगी हो। मेरा चैलेंज था वैसे पूरा आर्मर और एक वो बनाने में, लेकिन तुम खुद सोच के देखो डायमंड ढूंढने में कितना हालत टाइट होती है भाई। देखो मुझे पता भी नहीं था ना कहाँ पे मिलेंगे डायमंड, किस एरिया में मिलेंगे, मैं तो बस ऐसे ही खोदे जा रहा था और बहुत बहुत हालत टाइट हो गई मेरी डायमंड ढूंढ के। और इतने ही ढूंढ पाया मैं, और मुझे पता भी नहीं था इतना वो लगता है क्या, मैं भूल चुका था थोड़ा सा कि इतना डायमंड लगता है इन चीज़ें बनाने में। मैं सोचा 18 डायमंड यार बन जाएगा। छोड़ो तुम छोड़ो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।